अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट चिकन कोरमा, जो खाने में टेस्टी और बनाने में आसान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 4 से 5 मीडियम साइज की प्याज लेकर उबाल लिया है, अब इसे पीस लेंगे। ये 50 ग्राम काजू है जिसे मैंने भिगो कर रखा था, इसे भी पीस लेंगे। पैन में 1 कप तेल डालकर गर्म कर लेंगे। तेल गर्म होने पर इसमें ऐड करेंगे 4 हरी इलायची, 1 चक्री फूल, 1 बड़ी इलायची, 10 से 12 लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 तेजपत्ता डालकर हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें बॉईल किया हुआ प्याज का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिला लेंगे। अब इसे ढककर 10 से 12 मिनट धीमी आंच पर पकने देंगे। प्याज भून चुका है, इसमें 1 किलो चिकन ऐड करके मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 150 ग्राम दही, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसे 20 से 25 मिनट मीडियम आंच पर ढककर पकने देंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। चिकन अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और काजू का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दो से तीन मिनट ढककर धीमी आंच पर पकने देंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। अब इसमें ग्रेवी के लिए 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब इसे ढककर उबाल आने देंगे। ग्रेवी में उबाल आ चुका है, आंच बंद कर देंगे। क्रीम से गार्निश कर देंगे। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।